दोस्तों आज हम ठंडी स्पेशल खसखस का हलवा बनाएंगे। खसखस का हलवा बहुत ही गर्म और ताकत देने वाला होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खसखस और बादाम को भिगो के रखना है 5 से 6 घंटों के लिए। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम खसखस और 10 से 12 बादाम ली है। अब इस तरह से बादाम के छिलके निकाल लेंगे। अब हम खसखस को छान लेंगे। अब एक मिक्सर पॉट में खसखस और बादाम को डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब हमारी खसखस और बादाम की पेस्ट रेडी है। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए हम इसमें खसखस और बादाम की पेस्ट डालेंगे। अब इसे अच्छे से धीमी आंच पे सेकेंगे। आप देख सकते हो ये अच्छे से सिके गया है और गोल्डन कलर भी आ गया है। तो अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है मीडियम फ्लेम पे, जब तक दूध पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है तब तक इसे कंटिन्यूस मिक्स करते रहना है। अब हम इसमें 4 चम्मच शक्कर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब दूध एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसमें डाले हैं और इससे एक अच्छा फ्लेवर भी आता है। आप देख सकते हो पानी भी एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हमारा ठंडी स्पेशल खसखस का हलवा तैयार है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप भी बनाएं ठंडी स्पेशल खसखस का हलवा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये ठंडी स्पेशल रेसिपी कैसी लगी। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय।